देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों से जिस तरह वादा किया था, सीज़न करीब आएगा कराची पाकिस्तान का, आपको शौक दिखाएंगे। एक और शौकीन के साथ हम मौजूद हैं और इनका शौक भी आपको कवर करके दिखाएंगे और कुछ ब्रीडिंग सेटअप इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है, ब्रीडिंग सेटअप के हवाले से भी आपको आगाह करवाएंगे। मेरे साथ हमजा भाई मौजूद है। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। हमजा भाई आपके साथ जो दोस्त है वहाँ में जरा इनका तारुफ करवाएं। ये हमारे असल भाई है, ये इनकी छत है, ये एक ढूंगा है, गिरफ्तार में सब जानते होंगे उसको। ये मेरे असद का भतीजा है, ये उसामा है, असद का भाषा भाई। बाकी ये तो हमारे उस्ताद हैं, आप क्या जानते हैं। असद भाई देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए, कराची का कौन सा कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ शॉप पर? 3-4 साल हो गए। सर देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, अभी आपके पास टोटल कितने कबूतर मौजूद हैं उड़ने वालों में, पट्टे वगैरह ब्रीडिंग सेटअप को आधा आधा रखे हैं? और ब्रीडिंग सेटअप की अगर बात की जाए तो कितने जोड़े दाने हुए अभी आपने? माशाल्लाह। और दोस्तों काफ़ी अच्छे इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग भी की हुई है, बनारसियों के हवाले से और काबरों के हवाले से, देसियों के हवाले से, वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा भाई देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, आपके जो उस्ताद हैं वो कौन है? आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छा हमजा भाई देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो आपका परिंदा काम कर रहा है, शौक जिनसे हो रहा है, लड़े दौड़े क्या कर रहे हैं? कबूतर रोड पाल लड़ रहे हैं अभी, या दो नंबर पे लड़ रहे हैं अभी हम जिस जगह खड़े हैं, ये दो नंबर जगह प्लाट है, बैंगलोर वाली पट्टी है ये। अभी हमारा कबूतर दो नंबर पर रोड पाल जाके लड़ेगा, आलिफ भाई से लड़ेगा, और चल्लू भाई भी हैं, पन्ने उस्ताद भी हैं, मुना मामू भी हैं, तो उनको सबको आप जानते हैं कि वो थोड़े आगे हैं, उनका टाइम दोपहर का है। तो खालिद भाई से होगा शौक, अन्य भाई से होगा, नवेद भी एक आध दो आध हो जाती है, 4-5 है हमारे यहाँ रोड पार कबूतर लड़ेगा। अच्छा देखा ये क्या है, अमूमन जो है वो कबूतर रोड पार या हाई टेंशन लाइन हो गई डरता है कबूतर, तो आपके कबूतरों में इस तरह का कुछ है? नहीं नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। अभी आप कबूतर खुलेंगे आपको देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल रोड के पास ही ये बेंगलोर है जहाँ से ये शौक कर रहे हैं, तो अमूमन इस तरह देखा गया है, मैं अक्सर वो बिश्तर देखा है मैंने, कबूतर शोर शराबे की वजह से डरता है और जो जिस तरह हाई टेंशन लाइन होती है उनको क्रॉस करते हुए डरता है, तो देखते हैं इनका शौक कैसा रहता है। देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका जो शौक का टाइम है वो क्या है? हमारा शौक का टाइम है 4 बजे मगरिब, 4 बजे खोल लेते हैं हम, 4 बजे 4-5 कभी 4:15 के बाद खोल लेते हैं। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ अभी बारिश चूँकि हो रही है तो मौसम तब्दील हुआ, कोयटा हवा चल रही है, इस तरह तो जहाँ आप शॉप करने वाले हैं अपने कबूतरों से और वहाँ तो अगेत पड़ेगी, तो आप तो उन्हीं को देंगे? हाँ उनके घर बेच के लड़ाएंगे, अभी आप देखेंगे भैया उनके उनके घर पे बेच के लड़ाएंगे। असद भाई देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए कि परिंदा खोलते वक्त आपको कितनी परेशानी हुई, जैसे कि रोड बराबर में ही है बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, आराम से खुल। तो देखने सुनने वालों को वीडियो के काम में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस सही है, मेरा कहना ये शौक है, शौक को शौक तक रखें, या आजकल लोगों ने शौक को लड़ाई झगड़े इन सब में मुबतला कर दिया। बाकी हम तो बोलते हैं भाई शौक है छत तक होना चाहिए, बाहर सब साथ मिले हैं, जुले उठे हैं, बैठे हैं, आपस में मोहब्बत हो, शौक को शौक तक रखें, तो शौक में मतलब वो वही है कि आप आए छत पे शौक करा उतरे जाके सवार साथ बैठे उठे साथ बैठे उठे मजाक करें हंसी के सब कुछ करें, लेकिन छत पे शौक तक रखें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चैनल के साथ बने रहिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह जी। तो दोस्तों ये इनके कबूतर खुल रहे हैं, 80 कबूतर हैं ये, अभी खोल के ज़रा हवा टाइट कर लें, बारिश हुई हुई थी, गीला हुआ हुआ है। ये भाई छपके बनाते हैं, जाली वगैरह छपके वगैरह खुद बनाते हैं, दिखाओ दिखाओ ये देखें। अभी मैंने भी इनको छपकों का कह दिया, ये वाले छपके का कहा है मैंने, बड़ा हल्का है, पायदार है, एक छपका ये है, ठीक है। ये इनका पूरा ब्रीडिंग सेटअप है, ये भी मैं कवर करके दिखाऊंगा। ये पट्टे निकलते हैं वो यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ छत की सफाई हो रही है, ठीक है, और इसके पीछे भी ब्रीडिंग सेटअप है, वो भी आपको दिखाएंगे शौक के बाद इंशाल्लाह। ये कबूतरों को ज़रा कस लें,
फिर आपको दिखाते हैं। Woo!
कल्जेरा लगा हुआ है। जापान घुमाएगा रूपा में।
यहाँ से ये मेहनत कर रहे हैं। बताती है दोस्तों, ये हो गई है, मारो कितना उड़ाएगा, एकदम उड़ाते हैं।
आएगा तो अटूट आएगा। हाँ बेटा हाँ, खाली मार खाली मार। I tried so hard.